Good morning everyone. Welcome to Sujati Edu Talks video session. Myself, Bhootendra Gaur, and I am going to take physics class and I am going to deal with electrostatics. एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले हम सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दीजिए. राइट, पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बारे में स्टडी किया था. आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. आखिर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन या स्पेस होता है एक चार्ज के सराउंडिंग में, जिस स्पेस या सराउंडिंग तक एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट कर सकता है. फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं ये एक चार्ज है कैपिटल क्यू. ये कैपिटल क्यू पूरा इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अपना फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकता, एक स्पेसिफाइड रीजन तक ही अपना फोर्स एग्जर्ट कर सकता है. अगर हम मान लेते हैं कि ये इतना रीजन में अपना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो इस होल रीजन को ही इस चार्ज क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड बताया जाएगा. अगर कोई भी चार्ज इस रीजन के अंदर आ रहा है तो इस चार्ज द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. अगर कोई चार्ज इस रीजन से बाहर हो तो ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होप कर रहे हैं कि सभी को समझ में आया होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज अप टू विच इट एग्जर्ट्स इट्स फोर्स. वो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, पर उस इसी रीजन तक ये चार्ज क्यों क्या कर सकता है, फोर्स एग्जर्ट कर सकता है. इस रीजन के बाहर अगर कोई भी चार्ज प्रेजेंट हो तो उस पर फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा. ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रीजन में यूनिफॉर्म नहीं होता, पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, चेंज होता है. फॉर एग्जांपल अगर तुम इस पॉइंट ए पे कैलकुलेट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, पॉइंट बी पे कैलकुलेट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा. तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जर्ट करता है एक चार्ज, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है सर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन कैसे किया जाएगा, उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, वो अब हम देखेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको ई वेक्टर से डिनोट किया जाता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है ये देखें. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हमें एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर करना होता है. तो इसका डेफिनेशन में ये बताया गया है, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड
by unit positive test charge. सर ये टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव हमें समझ में आ रहा है कि साइन पॉजिटिव होना चाहिए, पर टेस्ट चार्ज का क्या मतलब है? टेस्ट चार्ज उस चार्ज को कहते हैं जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट ऑल नेग्लिजिबल हो। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि एक चार्ज टेस्ट चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, पर टेस्ट चार्ज जब वेरी क्लोजर में आता है तभी दूसरे चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट कर सकता है। इसका फील्ड रीजन ऑलमोस्ट ऑल नेग्लिजिबल होता है। ठीक, तो टेस्ट चार्ज को कैसे डिनोट किया जाता है? क्यू नॉट से डिनोट किया जाता है। तो फ्रॉम डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर किसका इक्वल हो जाएगा? एफ वेक्टर बाय क्यू वेक्टर। इसमें कंडीशन क्या है? क्यू नॉट टेस्ट चार्ज होना चाहिए। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज तभी पॉसिबल होगा जब इसका वैल्यू बहुत ही छोटा हो। तो प्रिसाइसली बताया जाए तो ई वेक्टर किसका इक्वल होता है? लिमिट Q not tends to zero, F vector by Q vector होता है। क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो साफ सी बात है कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस किस पे डिपेंड करता है ये अब हम डिस्कस करेंगे। कंसिडर करते हैं कि ये एक चार्ज है जो क्यू मैग्नीट्यूड का है। जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तुम फाइंड आउट कर रहे हो उसी को हम सोर्स चार्ज कहते हैं। इसका मतलब ये कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज है। इस कैपिटल क्यू के वजह से एक पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये कैलकुलेट करना है। तो बाय डेफिनेशन हमने पहले ही बता रखा है कि इस पॉइंट पे हमें एक यूनिट टेस्ट चार्ज कंसीडर करना है। उस यूनिट टेस्ट चार्ज पर जितना भी फोर्स ये एग्जर्ट कर रहा होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर ये पॉइंट क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस में हो, क्यू चार्ज से कितना डिस्टेंस में? स्मॉल आर डिस्टेंस में, और यहां हमने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर किया है क्यू नॉट। दोनों का अगर पोलैरिटी सेम हो तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स रेडियली आउटवर्ड्स होगा। तो ये फोर्स एफ वेक्टर किसका इक्वल होगा? इस फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड बाय कूलम्स लॉ 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर का इक्वल होता है, जो कि पिछले सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कूलम्स फोर्स के बारे में। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड E किसका इक्वल है? F by Q naught का इक्वल। तो ये यहां से ये किसका इक्वल हो जाएगा? 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल Q naught by R square होल डिवाइडेड by Q naught। ये Q naught और ये Q naught क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E किसका इक्वल होगा? 1/4πε0 कैपिटल Q by R square। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस एक्सप्रेशन में ये साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये तो वैक्यूम था इस वजह से एप्सिलॉन नॉट आया है। अगर वैक्यूम के सिवाय और कोई दूसरा मीडियम होता तो यहां एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम एप्सिलॉन लेना पड़ता। कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड, स्मॉल आर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज, इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। चाहे टेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना भी हो वो फाइनली क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज डिपेंड्स ऑन ओनली थ्री फैक्टर्स। वन, मीडियम ऑफ मीडियम इन विच चार्ज इज प्लेस्ड। सेकेंड वन, अमाउंट ऑफ सोर्स चार्ज। थर्ड वन, इट्स डिस्टेंस, मीन्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। अब तक हमने जो डिस्कस किया है वो क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। अब बात आती है डायरेक्शन का। डायरेक्शन का क्यों बात आती है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो मालूम पड़ गया, 1/4πε0 Q/R2। डायरेक्शन कैसा होगा? तो डायरेक्शन के लिए कूलम्स फोर्स को एक बार याद करो। अगर दोनों लाइक चार्जेस हो तो कूलम्स फोर्स रिपल्सिव होगा, और फोर्स का जो भी डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। ठीक, तो कूलम्स फोर्स रेडियली आउटवर्ड्स होगा फॉर पॉजिटिव चार्ज। और अगर यही सोर्स चार्ज को नेगेटिव लोगे और टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होना ही होना है, तो उसका इनवर्स होगा। तो यहां से क्या मालूम पड़ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव। ठीक,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो तो वो रेडियली आउटवर्ड्स होगा, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव हो तो रेडियली इनवर्ड्स होगा। रेडियली टर्म क्यों यूज कर रहे हैं वो अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये चीज याद रखना कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव होने पर, सोर्स चार्ज पॉजिटिव होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होता है। और सोर्स चार्ज नेगेटिव होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड्स होता है। इस रेडियली टर्म का क्या मतलब है ये अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये याद रखना कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होता है, सोर्स चार्ज नेगेटिव होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड्स होता है। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाला था कितना, 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। मान के चलते हैं हमने एक सोर्स चार्ज फिक्स कर दिया, मतलब ये कैपिटल क्यू क्या है, फिक्स हो गया, और एक पॉइंट कंसीडर किया है जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस में है, पॉइंट पी। अब इस पॉइंट पी का डिस्टेंस भी मैं चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब एक होल स्फीयर में, पूरे स्फीयर में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब इस होल स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है, अगर मीडियम भी फिक्स कर दिया जाए, सोर्स चार्ज भी फिक्स कर दिया जाए और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज भी फिक्स कर दिया जाए। अब एक स्फीयर का रेडियस हो गया ये स्मॉल डिस्टेंस आर, तो इसी का मतलब होता है रेडियली। अगर इस पॉइंट पे अलोंग द रेडियस आउटवर्ड्स हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, या नेगेटिव चार्ज होने पर यही डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलोंग द रेडियस इनवर्ड्स हो जाएगा। तो वही मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स फॉर पॉजिटिवली सोर्स चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड्स फॉर नेगेटिवली सोर्स चार्ज। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोगों को क्या डिस्कस करना जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करना जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई सा भी एक बॉडी है, उस बॉडी पे तुम डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस डिफरेंट पॉइंट्स पे तब तक ही मेंटेन कर सकते हो जब तक उसकी एबिलिटी है। एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद में अगर तुमने चार्ज डेवलप करना शुरू किया उस बॉडी पे, तो क्या होता है, वो चार्ज पूरे बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहना, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहना, दोनों एक ही बात होती है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहना, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहना, दोनों एक ही बात होती है। किसी किसी बुक में इसी को होमोजीनियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये होमोजीनियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, ये डायमेंशन पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये है कि ये लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसे बेस करके इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को थ्री टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हो। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम रो से डिनोट करते हैं।
दूसरी बात, इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जा सकता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्यूबिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जा सकता है। आखिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फोर्स का फॉर्मूला और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो क्या होगा, ये अब हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन राइट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि किससे डिनोट किया जाता है, लैम्डा से डिनोट किया जाता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जनरली चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब कंसीडर किया जाता है, जब चार्ज यूनिफॉर्मली अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो। यूनिफॉर्मली अलोंग द लेंथ मतलब अगर ये कंडक्टर है जिसमें सिर्फ लेंथ में चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ना हो रहा हो, उस टाइम पे तुम्हें क्या कंसीडर करना है, लैम्डा कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट वायर में तुम्हें कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करना है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करना है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक और चीज ये होता है कि जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब ये लैम्डा का वैल्यू कांस्टेंट है फॉर डिफरेंट लेंथ। अगर उसी लेंथ में तुमने स्मॉल लेंथ dq कंसीडर किया है, dl कंसीडर किया है जिसमें dq लेंथ है, तो इस dq by dl के लिए भी ये लैम्डा का वैल्यू कैसा रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। सर ये क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कंसीडर करो ये एक स्ट्रेट रॉड है जिसका लेंथ कितना है, 10 मीटर। स्ट्रेट रॉड का लेंथ 10 मीटर है और इस स्ट्रेट रॉड पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऑफ मैग्नीट्यूड 20 कूलम। तो इस स्ट्रेट रॉड का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा किसका इक्वल हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ 10, तो किसका इक्वल है, 2। ऐसे यूनिट क्या होगा, चार्ज का कूलम और लेंथ का मीटर, तो कूलम पर मीटर तो 2 कूलम पर मीटर। अब मैंने एक स्मॉल लेंथ कंसीडर किया है, इस स्मॉल लेंथ का वैल्यू है 1 मीटर मान के चलते हैं, तो इस 1 मीटर में कितना चार्ज होगा ये कैसे ऑब्टेन करोगे, इस फॉर्मूला से अप्लाई करोगे कि जो टोटल रॉड में लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है उतना ही हर एक स्मॉल लेंथ के लिए भी वैलिड होता है। तो क्या होगा, ये 2 तो कांस्टेंट है, हमें चार्ज फाइंड आउट करना है और लेंथ कितना है, 1 मीटर। तो यहां से क्यू का वैल्यू कितना है, 2 कूलम। इसका मतलब यह है कि इस स्मॉल लेंथ में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज अकोमोडेट हो रहा है, 2 कूलम अमाउंट ऑफ चार्ज अकोमोडेट हो रहा है। ठीक, अगर वही 2 मीटर होता तो 4 कूलम होता, अगर वही 0.5 मीटर होता तो यही 1 कूलम हो जाता। इस तरीके से अपने आप ये रेशियो क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। पर ये चीज याद रखना जरूरी है कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कॉन्स्टेंट होगा, मीन्स फॉर गिवन स्मॉल लेंथ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज का रेशियो भी उतना ही होगा जितना टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ का होता है। ठीक, नेक्स्ट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करने से पहले इसी में हम एक और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक पॉइंट पे फोर्स किसका इक्वल होगा। ठीक, मैंने एक वायर कंसीडर किया है ऑफ एल लेंथ, अगर इसमें स्मॉल लेंथ कंसीडर किया है, इस स्मॉल लेंथ का वैल्यू है डी एल, इसमें कितना चार्ज अकोमोडेट कर रहा है, dq अमाउंट ऑफ चार्ज अकोमोडेट कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज स्मॉल q इस स्मॉल लेंथ से स्मॉल r डिस्टेंस में है, तो ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है f, वो f किसका इक्वल हो जाएगा, 1/4πε0 q dq by r स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा। अब dq का वैल्यू कहां से निकालोगे, लैम्डा से।
लैम्डा का वैल्यू हमें पहले ही पता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, विच इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। अगर इन दोनों को डायरेक्ट इक्वेट करोगे तो डी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा डी एल आ जाएगा। तो ये वहां सब्सिट्यूट कर दोगे तो फोर्स एफ किसका इक्वल हो जाएगा, 1/4πε0 लैम्डा डी एल और ये वाला क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए, डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो आउटवर्ड्स होगा, नेगेटिव चार्ज हो तो इनवर्ड्स। एक बार फोर्स आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मुश्किल बात नहीं है, पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट कर लो आपको फोर्स मिल जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब हम लीन सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो सिग्मा कंसीडर किया जाता है इसे किससे डिनोट किया जाता है, सिग्मा से डिनोट किया जाता है और इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कहा जा सकता है। जैसे कि लैम्डा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होता है और उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है, सिमिलरली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यूज करते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, अब एक प्लेन सरफेस ले रही हो जिसके पास सरफेस एरिया है कैपिटल एस और इसमें टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है कैपिटल क्यू और इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। थ्रूआउट द एरिया अगर ऐसा हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा किसका इक्वल होगा, टोटल चार्ज ऑन द सरफेस डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। तो साफ सी बात है कि इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, चार्ज का कूलम और सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। दूसरी बात, ये स्मॉल चार्ज के लिए भी वैलिड होगा तो ये डी क्यू बाय डी एस के लिए भी अप्लीकेबल है। ठीक, अब तुमने एक स्मॉल सरफेस कंसीडर किया है इसी सरफेस पे जिसका सरफेस एरिया डी एस है और जिस पे अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू है, अब ये तो पॉइंट की तरह बिहेव करेगा तो इसके कारण आर डिस्टेंस में रहने वाले एक स्मॉल चार्ज क्यू पर ये सरफेस कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा, एफ इज इक्वल टू बाय कूलम्स लॉ एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डी क्यू बाय आर स्क्वायर। ये डी क्यू कहां से लाओगे, फिर से इस एक्सप्रेशन से सिग्मा और डी क्यू बाई डी एस को डायरेक्ट रिलेट करोगे। सिग्मा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, क्यू बाई एस टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया से, तो वहां से डी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस आ जाएगा। अब सिग्मा इंटू डी एस यहां सब्सिट्यूट करो तो फोर्स एफ कितना आएगा, 1/4πε0 क्यू सिग्मा डी एस बाई आर स्क्वायर। ये तो हुआ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण आउटवर्ड्स होगा, अगर वही नेगेटिव चार्ज होता तो इनवर्ड्स होता। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इतना होता है। अब एक बार फोर्स कैलकुलेट कर लिया जाए उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, फोर्स आने के बाद पर यूनिट चार्ज निकाल दो, मतलब एफ बाई कैपिटल क्यू ही क्या होगा, सॉरी ये स्मॉल क्यू है क्योंकि इस पॉइंट पे हम फोर्स निकाल रहे हैं, F by small q E क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन सा चार्ज डेंसिटी कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कंसीडर करते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो किसका इक्वल होता है, जैसे कि लेंथ होते समय चार्ज पर यूनिट लेंथ, एरिया होते समय चार्ज पर यूनिट एरिया, सेम वे में वॉल्यूम में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो यहाँ रो किसका इक्वल हो जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी का इक्वल हो जाएगा। और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण ये स्मॉल पॉइंट्स के लिए भी अप्लीकेबल है, तो ये क्या होगा, डी क्यू बाई डी वी का इक्वल हो जाता है।
और q चार्ज पर फोर्स F किसका इक्वल होगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q dq बाई आर स्क्वायर। ये सब df के वैल्यू है, जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं df के वैल्यू है। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा, ठीक, विच इज इक्वल टू, अब dq के बदले यहां से क्या लिख सकते हो, रो dv लिख सकते हो, तो क्या आएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q rho dv by r square आएगा। चार्ज पॉजिटिव हो तो डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स होगा, चार्ज नेगेटिव हो सरफेस पूरे वॉल्यूम पे तो इनवर्स रहेगा। तो ये होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते समय फोर्स निकालने का तरीका। अब एक बार df आ जाए तो टोटल फोर्स F कैसे निकाला जाएगा, इंटीग्रेट करके। तो इंटीग्रेट करने के बाद में फोर्स निकाल लिया जाएगा, फोर्स एक बार आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो F बाई क्यू कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल आएगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, क्यू का कूलम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब होता है। तो इतना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में आप लोगों को याद रखना होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एग्जाम में बहुत ही कम पूछा जाता है, पर हाँ इसका एक पार्ट ऑफ एप्लीकेशन हम गौसला में यूज करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इस कारण इसको ध्यान से पढ़ लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हो, ठीक। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये अब हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीपल चार्जेस के लिए कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, अगर इसे आप लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहो तो कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ये देखने वाले हैं। पहले वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए पॉइंट चार्ज, ठीक, मैंने एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू कंसीडर किया है, एक पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक। ये पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू से पॉइंट स्मॉल कैपिटल पी कितने डिस्टेंस में है, आर डिस्टेंस में, ठीक है। तो ये साफ सी बात है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता, रेडियली आउटवर्ड्स होता, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ई किसका इक्वल होता है, 1 by 4 pi epsilon naught q by r square होता, ठीक। अब आया ही बात डायरेक्शन की, अगर पॉइंट चार्ज q से पॉइंट p का जो भी पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो मैंने क्या माना है, r वेक्टर माना है। पॉजिटिव चार्ज प्लस q से पॉइंट p का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने क्या माना है, कैपिटल स्मॉल r वेक्टर माना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, अगर दो वेक्टर्स के डायरेक्शन सेम हो तो उन्हें पैरेलल वेक्टर्स कहा जाता है और उनका यूनिट वेक्टर सेम होगा। अब इस आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, कैसे, हमें पता है कि यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यहां से r कैप कैलकुलेट कर लोगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो यूनिट वेक्टर एज इट इज यूज करोगे, हमें पता है कि ई वेक्टर किसका इक्वल होगा, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन, सेम फॉर्मूला यूज किया है, यहां वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड किया है, क्रॉस इसे मल्टीप्लाई करो तो वेक्टर किसका इक्वल होता है, यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चाहिए था, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसका इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r square into e cap किसका इक्वल होगा, r vector by magnitude of r vector, magnitude क्या होता है, vector का length ही तो होता है, और vector का length हमने कितना मान रखा है, small r, इसका मतलब ये r vector by small r का इक्वल होगा, तो यहां r vector by small r,
या सिंपली तुम आर कैप लिखकर छोड़ दोगे तो वो भी सही है। तो ये किसका इक्वल हो जाएगा, 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर वही नेगेटिव चार्ज होता तो चार्ज वैल्यू साइन सही सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस का क्या मतलब है, जो भी आर वेक्टर का डायरेक्शन है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मींस अगर ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है और पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। पॉइंट क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए तुम्हें क्यू का वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, विद साइन सब्स्टिट्यूट करना है। तो विद साइन सब्स्टिट्यूट करोगे तो ई वेक्टर किसका इक्वल हो जाएगा, फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर हो जाएगा। ये माइनस आगे आ जाएगा तो इसे मैं आगे लिख ले रहा हूं माइनस। पॉइंट क्लियर, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब ये तो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण होता है, अगर मल्टीपल चार्जेस हो तो ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा और उसको वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाएगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मल्टीपल चार्जेस के बारे में डिस्कस करने से पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है ये देख लेते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑलरेडी तुम लोग 11 से पढ़ते आ रहे हो, जब से वेक्टर पढ़ते आ रहे हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्केलर के लिए भी एप्लीकेबल होता है और वेक्टर के लिए भी एप्लीकेबल होता है। पर डिफरेंस ये है कि स्केलर वैल्यू का नेट वैल्यू या टोटल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वैल्यूज करते हैं। और अल्जेब्रिक सम क्या होता है ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज में हम डिस्कस कर चुके हैं। अल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू जिसका भी हमें नेट वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो उसके लिए हमें वैल्यूज ऐड करते समय साइन सहित ऐड करना पड़ता है। मतलब फाइनली वो ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अब वेक्टर्स के लिए क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हम लोगों को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना होता है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है ये भी हम लोग 11th में ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। ठीक, तो पहले देख लेते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करके कैसे सॉल्व किया जा सकता है। कंसीडर करो, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करोगे, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एनी पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड intensity of those charges. इसको हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एनी पॉइंट चार्ज ऑन एनी पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दोस चार्जेस। ठीक,
इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दोस चार्जेस, मतलब जितने भी चार्जेस के कारण तुम एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हो, हर एक उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल चार्ज की वजह से फाइंड आउट करो। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप लोगों को क्या करना है, वेक्टर एडिशन करना है। अगर ऐसा कर लेते हो तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट मिल जाएगा। तो डायग्रामेटिकली सॉल्व करके देखते हैं। ये एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज Q2, ये तीसरा चार्ज Q3, ऐसे ये n नंबर ऑफ चार्जेस हैं Qn। एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू Q1, और Q1 से ये पॉइंट P का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है R1 वेक्टर, और Q2 का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है R2 वेक्टर, और Q3 का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है R3 वेक्टर, सो ऑन अप टू Qn का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या है, Rn वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, E1 किसका इक्वल हो जाएगा, E1 वेक्टर किसका इक्वल हो जाएगा, 1/4πε0 Q1/R1³ इनटू R1 वेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली E2 किसका इक्वल हो जाएगा, 1/4πε0 Q2/R2³ इनटू R2 वेक्टर हो जाएगा। E3 वेक्टर किसका इक्वल हो जाएगा, 1/4πε0 Q3/R3² इंटू R3 वेक्टर हो जाएगा। और जितने भी चार्जेस के वैल्यूज हैं साइन सहित सब्स्टिट्यूट करना होगा इसमें, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑटोमेटिकली R वेक्टर के ऑपोजिट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही हमें n चार्जेस का इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो En वेक्टर का क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Qn/Rn³ Rn वेक्टर हो जाएगा। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट E वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वेक्टर्स प्लस वन अप टू En वेक्टर हो जाएगा। अब इन सभी में तुम नोटिस कर सकते हो 1/4πε0 कॉमन है सभी में, तो 1/4πε0 में क्या कर रहा हूं, कॉमन निकाल दे रहा हूं, तो ये किसका इक्वल हो जाएगा, 1/4πε0 E1 वेक्टर में बचेगा क्या, Q1/R1³ इंटू R1 वेक्टर, प्लस E2 में क्या बचेगा, Q2/R2³ इंटू R2 वेक्टर, E3 में क्या होगा, Q3/R3³ इंटू R3 वेक्टर। सिमिलरली हमें n वेक्टर तक करना होगा, तो Qn/Rn³ इंटू Rn वेक्टर हो जाएगा। इसे अगर समेशन में लिखना चाहो तो समेशन में भी लिख सकते हो, समेशन में लिखने पर क्या आएगा, ये समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n 1/4πε0 Qi/Ri³ इंटू Ri वेक्टर आ जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, वेक्टर में इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कुछ बच्चों को अब तक ये डाउट आ जाना चाहिए कि सर जरूरी तो नहीं है कि पोजीशन वेक्टर हमेशा दिया जाए, हो सकता है सिर्फ डिस्टेंस दे दिया जाए, उस टाइम पे हमें क्या करना होगा, उस टाइम पे हम लोगों को पोलर फॉर्म में सॉल्व करना होता है। तो पोलर फॉर्म में सॉल्व करना ये भी 11th क्लास में लर्न कर चुके हो, फिर भी एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। देखो राइट,
वेक्टर का रिवीजन चल रहा है, ये सिलेबस में नहीं है, पर हाँ ये इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जहां जहां वेक्टर यूज होगा सॉल्विंग में ये मेथड जरूर यूज होगा। तो हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये चीज हम डिराइव कर चुके हैं, अगर ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी हो और इन दोनों का बीच का एंगल थीटा हो तो इसका रिजल्टेंट कैसा रहता है, डायगोनल ही रहता है। और ये डायगोनल कितना लेंथ का होगा, अगर एक पैरेललोग्राम फॉर्म करोगे तो उसका डायगोनल जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ये रिजल्टेंट होगा। मान के चलते हैं कि इस रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है, कैपिटल आर। तो इस कैपिटल आर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये डिराइव किया था। और ये रिजल्टेंट वेक्टर किसी एक वेक्टर के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा हो, जिस वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है टैन ऑफ अल्फा किसका इक्वल हो जाएगा, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इसे याद कैसे रखा जाएगा, tan अल्फा है तो tan tangent किसका इक्वल होता है, sin by cos का इक्वल होता है, तो न्यूमरेटर में sin आएगा और डेनोमिनेटर में cos आएगा। अल्फा फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा एंगल यूज करना होगा, थीटा, तो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा आएगा। और कौन सा वैल्यू sin थीटा और cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, अल्फा जिसके साथ नहीं बन रहा वो वाला वैल्यू, तो अल्फा यहां r और a के साथ बन रहा है तो किसके साथ नहीं बन रहा, b के साथ, तो b sin थीटा डिवाइडेड बाय b cos थीटा आएगा और डेनोमिनेटर में उसके साथ जिसके साथ एंगल बना रहा है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर किसका इक्वल होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर ये रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के साथ, मान लेते हैं ये वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो उस कंडीशन में टैन अल्फा किसका इक्वल हो जाएगा, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा का इक्वल हो जाएगा। तो यहां इसे याद रखने का तरीका, टैन है तो टैन किसका इक्वल होता है, साइन बाई कॉस, तो tan अल्फा किसका इक्वल होगा, b sin थीटा बाई a प्लस बी cos थीटा का इक्वल। यहां इसे याद रखने का तरीका क्या है, tan, tan का मतलब sin बाई cos आएगा और हमें थीटा लेना है जो होल एंगल है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और किसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये sin थीटा और cos थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा, ये अल्फा एंगल किसके साथ नहीं बना रहा, b के साथ नहीं बना रहा, तो b sin थीटा बाई b cos थीटा आएगा और डिनोमिनेटर में b cos थीटा के साथ साथ जिसके साथ एंगल बना रहा है वो भी हमें ऐड करना होगा। तो इस तरीके से तुम इसे याद रख सकते हो कि tan अल्फा किसका इक्वल होगा, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये अल्फा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा पोलर फॉर्म में। तो ये इसमें हम लोगों ने केसेस भी सॉल्व किए थे, फर्स्ट केस हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हो तो क्या होगा, ठीक, मतलब ये वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर हो तो क्या होगा, ये वेक्टर अगर बी वेक्टर के पैरेलल हो तो साफ सी बात है कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री होगा। जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री यहां पुट करोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहां ए प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये किसका इक्वल होगा, ए प्लस B का इक्वल होगा, ठीक। अगर इसे तुम ग्राफिकल मेथड में एक्सप्लेन करना चाहो, ये पॉइंट O, इस पॉइंट O से पॉइंट A का वेक्टर, OA वेक्टर इतना बड़ा है और पॉइंट O से OB वेक्टर इतना बड़ा है, अगर वही R वेक्टर चाहिए तो इन दोनों का एडिशन होगा, तो ये R किसका इक्वल हो जाएगा, A प्लस B। और ये चीज हमेशा याद रखना, अगर पैरेलल वेक्टर्स हो तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी उसी डायरेक्शन में होगा, उसका मैग्नीट्यूड उन दोनों के सम का इक्वल होगा। केस टू क्या है, केस टू, ये केस वन था, अब केस टू सॉल्व करने वाले हैं। तो केस टू क्या है, जब ये दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो, दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल मींस ये वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर,
अगर ये वेक्टर और बी वेक्टर एंटी पैरेलल हो तो साफ सी बात है कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जब यहां 180 डिग्री पुट करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा में थीटा के बदले 180 पुट करो, तो थीटा के बदले 180 पुट करने पर ये माइनस 2ab हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू किसका इक्वल होगा, अंडर रूट ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये किसका इक्वल, ए माइनस बी का इक्वल। अब इसे आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए ये पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ से ए वेक्टर इस तरफ है, बी वेक्टर इस तरफ है, ठीक। तो रिजल्टेंट बी वेक्टर की ओर होगा और इसका मैग्नीट्यूड किसका इक्वल होगा, बी माइनस ए का इक्वल होगा। तो सर यहां तो ए माइनस बी लिखा है, तो यहां तुम बी माइनस ए होल स्क्वायर भी तो लिख सकते थे। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि रिजल्टेंट एंटी पैरेलल वेक्टर्स में डिफरेंस का इक्वल होता है। किसका इक्वल होता है, डिफरेंस का इक्वल। डिफरेंस मतलब हमें कैसे करना है, हायर मैग्नीट्यूड वेक्टर में से लोअर मैग्नीट्यूड वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। वो डायरेक्शन किस तरफ होगा, जिस डायरेक्शन में हायर मैग्नीट्यूड वेक्टर होगा उस डायरेक्शन में। अगर ये वेक्टर बड़ा होता तो क्या होगा, ये ओ, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है। तो इस केस में रिजल्टेंट ये वेक्टर के डायरेक्शन में होता और ये माइनस बी का इक्वल होता। तो क्लियर है एंटी पैरेलल होते समय हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक। अब केस थ्री डिस्कस करते हैं। तो केस थ्री में क्या बताया गया है, ये देखा जाएगा। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, मतलब ये वेक्टर अगर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री अगर इसमें पुट करोगे तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो। तो बचेगा क्या, सिर्फ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर किसका इक्वल है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ठीक। दूसरी बात, अब अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो अल्फा के लिए ये वाला ही यूज करोगे, थीटा के बदले 90 पुट करोगे, साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0। तो ये 1 इनटू बी, बी बचा रहेगा न्यूमरेटर में, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस ये हो जाएगा। तो अल्फा टैन अल्फा किसका इक्वल हो जाएगा, बी बाई ए का। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये पॉइंट ओ है, ओ से ये वेक्टर ये वाला, ओ से बी वेक्टर ए वाला, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट इसके डायगोनली होते हैं। ये आर किसका इक्वल होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब एक को बेस मान लिया जाए और एक को हाइट मान लिया जाए, तो ये हाइपोटेनस का फॉर्मूला हो गया। और एंगल अल्फा किसका इक्वल हो जाएगा, tan alpha is equal to b by a। ये कैसे याद रखा जाएगा, सिर्फ perpendicular के केस में ये applicable है, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा वो वाला magnitude, divided by जिसके साथ एंगल बना रहा वो वाला magnitude। अब केस फोर डिस्कस करते हैं। केस फोर में क्या होता है, ए और बी का मैग्नीट्यूड हम इक्वल ले रहे हैं, ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, पर डायरेक्शन मतलब एंगल थीटा ले रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आर किसका इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिखना है बी के बदले भी तुम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर कॉस थीटा। यहां से ये किसका इक्वल हो जाएगा, ए प्लस ए 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। 2a स्क्वायर कॉमन कर सकते हो, कॉमन करोगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हो, ये देखते हैं। अब हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लोगों को पता है कि 1 प्लस cos 2 थीटा किसका इक्वल है, cos स्क्वायर थीटा का इक्वल है, ठीक। अब अगर हम लोगों ने cos
1 प्लस cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा का इक्वल किया है, तो 1 प्लस cos थीटा इसका हाफ का होना चाहिए, तो cos स्क्वायर थीटा / 2 का इक्वल होगा, ठीक। तो यहां हम 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा / 2 लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, अंडर रूट सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा / 2, तो 2a स्क्वायर * 2 cos स्क्वायर थीटा / 2। अब ये वाला 2 मल्टीप्लाई होके 2 स्क्वायर, तो कॉमन स्क्वायर में लिख सकते हैं हम 2a cos थीटा / 2 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा क्या 2a cos थीटा / 2 बचेगा, तो रिजल्टेंट किसका इक्वल हो जाएगा, 2a cos थीटा / 2 का इक्वल हो जाएगा, मतलब इन दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। अब ग्राफिकली इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये देखते हैं, मान के चलो ये ए और ये बी, मतलब ये पॉइंट है, तो रिजल्टेंट कैसा रहेगा, डायगोनली रहेगा, इस आर का वैल्यू किसका इक्वल हो जाएगा 2a cos थीटा / 2, और ये अल्फा किसका इक्वल हो जाएगा थीटा / 2 का इक्वल। सर ये कैसे आया, सेम इसी में सब्स्टिट्यूट करो आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं आ रहा है या नहीं, देखते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू b के बदले ये सब्स्टिट्यूट करना है sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस a cos थीटा which is equal to a into sin theta को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 लिख सकता हूँ by formula sin 2 theta, sin 2 theta किसका equal है 2 sin theta into cos theta, तो साफ सी बात है जब 2 theta था तो 2 sin theta cos theta आया, तो sin theta हो तो क्या होगा उसका आधा आएगा, तो sin theta by 2 into cos theta by 2 whole divided by, इसमें से ये मैं क्या कर रहा हूँ कॉमन कर दे रहा हूँ, तो बचेगा क्या 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2 cos स्क्वायर थीटा / 2 होता है, 2 और 2 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, स्क्वायर के साथ cos थीटा / 2 कैंसिल, तो यहां से tan अल्फा किसका इक्वल हो जाएगा sin थीटा / 2 / cos थीटा / 2, tan थीटा / 2 का इक्वल हो जाएगा, दो टेंजेंट कब इक्वल होंगे जब अंदर का एंगल इक्वल हो 0 टू 180 के बीच, तो अल्फा किसका इक्वल होगा थीटा / 2 का इक्वल होगा, किसका इक्वल होगा थीटा / 2 का इक्वल होगा, तो इतना हम लोगों को आना चाहिए ताकि हम वेक्टर के न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सकें। जनरल फार्मूला क्या है, r is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta, अगर ये r a वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा हो तो tan अल्फा किसका इक्वल हो जाएगा b sin theta / a plus b cos theta, ये जनरल केस है, और इससे डिराइव्ड 4 केसेस हैं जिसे हम स्पेशल केसेस कहते हैं, फर्स्ट केस जब दो वेक्टर पैरेलल हो, सेकंड केस जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो, थर्ड केस जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, फोर्थ केस दोनों वेक्टर थीटा एंगल बना रहा हो पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। इसके साथ साथ लामिस थ्योरम अप्लाई करना भी आना चाहिए, तो लामिस थ्योरम क्या होता है ये भी एक बार देखते हैं, तीन वेक्टर्स ए बी और सी एक ही पॉइंट ओ पर एक्ट कर रहा है और आपस में अलग अलग एंगल बना रहे हैं अल्फा बीटा और ये वाला एंगल गामा, तो लामिस थ्योरम में ये बताया गया है कि जिस वेक्टर को आप ले रहे हो डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल का रेशियो हर वेक्टर में इक्वल होते हैं, तो ये बाय साइन बीटा किसका इक्वल होगा बी बाय साइन गामा का विच इज इक्वल टू सी बाय साइन अल्फा, तो इस थ्योरम को ही हम क्या कहते हैं लामिस थ्योरम कहते हैं, इसी का दूसरा नाम साइन रूल भी बताया जाता है, ठीक।
तो वेक्टर्स में इनका आइडिया रहना जरूरी है ताकि डेरिवेशन आसानी से समझ में आए और जितने भी न्यूमेरिकल वेक्टर को बेस करके हैं वो भी आसानी से समझ में आए। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होता है जो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर किसी भी चार्ज के फील्ड में छोड़ दिया जाए तो उसका मोशन होता है। फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ना कोई रीजन होगा, उस रीजन में हमने क्या किया, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिलीज कर दिया, तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रिपेल होगा, रिपेल होने के कारण वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सेम वे में यहां रखोगे तो इस तरीके से, यहां इस तरीके से, तो ये जो इमेजिनरी लाइंस जो हमें दिखाई नहीं पड़ती पर इसके कारण बहुत कुछ समझा जा सकता है, इस इमेजिनरी लाइंस को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस आर कर्व्ड लाइंस दैट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ अनदर चार्ज। जब एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में इस टेस्ट चार्ज को प्लेस किया जाता है तो वो टेस्ट चार्ज का जो भी मोशन होगा उस इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन को ही या इमेजिनरी कर्व्ड लाइन को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज का इस तरीके से होता है। अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज ले लिया जाए तो आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक वो टेस्ट चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो उसका मोशन इंफिनिटी से चार्ज की ओर होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज के कारण होता है, ठीक। अगर वही एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को पास पास रख दिया जाए तो क्या होगा ये भी देखते हैं। ठीक, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ये दोनों पास पास रखे गए हैं, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलकर किस तरफ बेंड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज की ओर बेंड हो जाएगा। और इंफिनिटी से नेगेटिव चार्ज में भी एंटर हो रहा होता है और पॉजिटिव चार्ज का इंफिनिटी तक जा भी रहा होता है, ठीक। तो ये कब होता है, जब एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को पास पास रख दिया जाए। अगर वही दो लाइक चार्जेस, चाहे वो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों नेगेटिव चार्ज हो, उस केस में क्या होता है ये भी डिस्कस करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ये पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक चार्जेस किसको कहते हैं और अनलाइक चार्जेस किसको कहा जाता है। लाइक चार्जेस जब दोनों का साइन सेम हो, इधर बोथ पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, इन दोनों केसेस को हम क्या कहते हैं, लाइक चार्जेस कहते हैं। अगर वही दोनों का ऑपोजिट साइन हो, एक प्लस और एक माइनस, या ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, तो उसे हम अनलाइक चार्जेस कहते हैं। अनलाइक चार्जेस में फिन लाइन का पैटर्न इस तरीके से होता है, लाइक चार्जेस में किस तरीके से होता है ये देखा जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इंफिनिटी तक जाता है, और इस तरफ जो फील्ड लाइन जाएगा वो फील्ड लाइन बेंड हो जाता है पर इंटरसेक्ट नहीं होगा। किस कारण इंटरसेक्ट नहीं होगा, ये रीजन हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, इसके पूरे प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वही नेगेटिव चार्ज में देखा जाए सेम पैटर्न ही होगा पर एरो मार्क अंदर की ओर होगा क्योंकि इंफिनिटी से लाइन आते हैं।
ये पैटर्न होता है, साफ सी बात है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसी को हम नल पॉइंट कहते हैं। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है फॉर आइसोलेटेड चार्ज एंड फॉर कंबाइंड चार्जेस। दूसरी बात ये भी याद रखना कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एक चार्ज रिलीज करता है वो किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो एमिनेट करेगा। अब इनके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पॉइंट पे तुम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया, किस डायरेक्शन में, टेंजेंट बैकवर्ड भी ड्रॉ कर सकती है और फॉरवर्ड भी, पर हमें किस डायरेक्शन में लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। जैसे कि यहां अगर लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट इस तरफ ड्रॉ करते। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी टेंजेंट होता है जिस पॉइंट पे, वो टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है एट दैट पॉइंट। सबसे पहला प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या है, द टेंजेंट ड्रॉन, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। The tangent drawn at any point field line along the direction of its flow represents the direction of field intensity at that point. The tangent drawn at any point of field lines along the flow, the tangent drawn at any point of the field line along the direction of flow, yeah, along the flow direction of, the tangent drawn at any point of the field line along the flow direction represents the direction of field intensity at that point. ठीक, तो ये point हमेशा याद रखना, किसी भी point पे अगर तुमने electric tangent draw किया है along the direction of electric field line, तो वो tangent किसको represent करता है, electric field intensity के direction को represent करता है at that point. Second property, electric field lines are continuous lines. अब क्वेश्चन राइज होगा कि सर कंटिन्यूअस लाइन क्यों, कंटिन्यूअस लाइन नहीं हो तो क्या होगा, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस। इसका मतलब यह है फॉर पॉजिटिव चार्जेस ये स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होता है, मींस स्टार्ट फ्रॉम इट एंड एंड्स एट इंफिनिटी। अगर वही नेगेटिव चार्जेस का देखा जाए starts from infinity या comes from infinity and ends at charge, right। अब question क्या है कि ये continuous क्यों है,
ये कंटिन्यूअस इसलिए है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई भी ब्रेक आ रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक रीजन है, और रीजन कभी भी क्या नहीं हो सकता, डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस किस कारण, बिकॉज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मींस there is no electric field at that point. जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस किस कारण होता है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगा, और ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन होता है, उस रीजन तक 100% इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा रहना जरूरी है, कंटिन्यूअस रहना जरूरी है, डिसकंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्कस कर रहे थे, और इसमें अब हम थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि फील्ड लाइन पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन, तो वो टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, इधर चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव, बिकॉज एनी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मीन्स एनी ब्रेक इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मीन्स एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। थर्ड प्रॉपर्टी भी उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ डेंसर होगा वहाँ फोर्स ज़्यादा होगा, और जहाँ कम होगा वहां फोर्स कम होगा। मीन साफ साफ ये मतलब है इसका, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयरर होता है, दूर दूर होता है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। ठीक, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डेंसर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मोर विल बी electric field intensity at that point, and rarer the electric field line less will be electric field intensity। ठीक, अगर आप लोगों को ये बता दिया जाए कि एक electric field intensity का पैटर्न, इसमें दो पॉइंट्स दिया गया है, एक पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट है बी, इन दोनों पॉइंट्स में किसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा, तो हमें इसी पॉइंट को यूज करके ये बताना पड़ेगा। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर होता है, मतलब बहुत ही घने होते हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा, जहां दूर दूर होते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा। अगर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 माना जाए, तो इस केस में क्या होगा, E2 इज ग्रेटर देन E1 होगा। ठीक, अगर हमने ये बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हैं, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, और पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E1 माना है और पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E2 माना है, तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी हो जाएगा। और यही रीजन है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते समय सेट ऑफ पैरेलल लाइन यूज करेंगे। ये चीज याद रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फील्ड में फिर से ये यूज होगा कि क्यों हम लोग सेट ऑफ पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, ताकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट हो सके। इस पॉइंट के कारण, इस पॉइंट में क्या
बताया गया है, denser the electric field lines, more will be the electric field intensity and rarer the electric field lines, lesser will be the electric field intensity at that point. ठीक, fourth property. Electric field lines can contract longitudinally. Electric field lines can contract longitudinally. Longitudinally means along the length. Okay? And this is the reason due to which unlike charges attract each other. तो आप लोगों को याद होगा कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने अनलाइक चार्जेस का फील्ड पैटर्न ड्रॉ किया था, फील्ड लाइन पैटर्न. तो उसमें हम लोगों ने साफ साफ क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज को डायरेक्टली बेंड किया है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से इंफिनिटी, फिर इंफिनिटी से नेगेटिव चार्ज को आना चाहिए, वो इतना डिस्टेंस ना ट्रेवल करे बिना कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है. ठीक, तो इस पॉइंट का यही मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली मीन्स अलोंग द लेंथ. और यही रीजन है जिसके कारण दो अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. और दूसरा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है. Electric field lines can never intersect each other. अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आखिर इंटरसेक्ट क्यों नहीं होगा, अगर इंटरसेक्ट होगा तो क्या होगा. ठीक, मान के चलते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गया, तो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस कर्व के हिसाब से ये वाला होगा और इस पॉइंट पे इस कर्व के हिसाब से ये वाला. मतलब एक ही पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो डायरेक्शन हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का एक पॉइंट पे यूनिक डायरेक्शन ही होना चाहिए. तो ये चीज मालूम पड़ गया कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज if they intersect, because at the point of intersection they will have two possible directions. Which is impossible. ठीक, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसलिए इंटरसेक्ट नहीं होता क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो पॉसिबल डायरेक्शन आ जाता है. एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे मीन्स हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल हैव टू पॉसिबल डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल. ठीक, और यही रीजन है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या नहीं हो सकता, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं हो सकता. और इसी प्रॉपर्टी के कारण जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स
पास-पास आ जाते हैं तो वो लेटरल प्रेशर परपेंडिकुलर टू द लेंथ एग्जर्ट करना शुरू कर देता है, जिसके कारण दो लाइक चार्जेस रिपल होते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। 6 प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन एग्जर्ट लेटरल प्रेशर परपेंडिकुलर टू द लेंथ। Length of the charges means length of the line joining the charges. Length of the line joining the charges, which results in repulsive force. Between two like charges. ठीक, for example हमने एक positive charge लिया, दूसरा भी positive charge, क्योंकि हमें like charges लेना है, या दोनों negative charge लेना चाहो तो ले सकते हो। तो यहां क्या होता है, electric field lines इस point पे बहुत ही denser हो जाएंगे, पर ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकता, तो ये दोनों फील्ड लाइंस अपने जगह बनाने के लिए एक दूसरे को रिपल करना शुरू कर देता है परपेंडिकुलर टू द लेंथ। ऐसे ठीक, इन इस रिपल्सिव फोर्स के कारण ये दोनों चार्ज अलोंग द लाइन जॉइनिंग एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसे हम कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन कंसीडर करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन एग्जर्ट लेटरल प्रेशर परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, किस कारण, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, इसके वजह से क्या होता है, विच रिजल्ट्स इन रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द टू लाइक चार्जेस, इधर बोथ आर पॉजिटिव चार्ज और बोथ आर नेगेटिव चार्ज। ठीक, सेवन प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। किस कारण, ड्यू टू इट्स कंजर्वेटिव नेचर। मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज प्लेस करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव को ही जाएगा। क्लोज्ड लूप फॉर्म करने का क्या मतलब है, पॉजिटिव से नेगेटिव को जाना और नेगेटिव से वापस पॉजिटिव को आना, तो ये कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करता। किस कारण क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करता, अगर क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है तो ये कंजर्वेटिव नेचर को फेल कर जाता है। कंजर्वेटिव नेचर मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो भी होते हैं ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में तुम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा क्लास 11th में कि क्लोज्ड पाथ में वर्क डन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ये क्लोज्ड पाथ बना रहा है तो वर्क डन जीरो आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। तो कंजर्वेटिव नेचर को शो करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या नहीं करता, कभी भी क्लोज्ड पाथ फॉर्म नहीं करता। ये सेवन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, जो पूरे कॉन्सेप्ट्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हेल्पफुल है। और इसके साथ साथ ये मेन पॉइंट भी याद रखना कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिलीज हो रहा है ये किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। इसका साफ मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा रिलीज होंगी पॉजिटिव चार्ज होने पर, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, अगर वही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम रिलीज होंगी पॉजिटिव चार्ज होने पर और कम ऑब्जर्व करेंगे नेगेटिव चार्ज होने पर। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक,
electric dipole. तो क्या होता है ये इलेक्ट्रिक डायपोल, ये देखते हैं. अगर दो चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस हो तो उस सेटअप को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं. तो इसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज टू चार्जेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस placed at very small distance. Is said to be electric dipole. मतलब एक चार्ज Q है तो दूसरा चार्ज भी क्या होगा, Q ही होगा. क्यों? क्योंकि हमें equal चाहिए. Equal का मतलब equal in magnitude. Opposite means opposite in polarity. तो two equal charges in magnitude and opposite in polarity placed at small distance. In general ये small distance को हम हमेशा 2a consider करते हैं. ठीक, तो इस सेटअप को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं. इस इलेक्ट्रिक डायपोल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं उसी को डायपोल मूवमेंट वेक्टर कहते हैं. डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्या होता है, ये डायपोल मूवमेंट वेक्टर, इसे स्मॉल पी वेक्टर से डिनोट किया जाता है. डायपोल मूवमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एदर चार्ज, इन दोनों में से कोई सा भी चार्ज ले सकते हो क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों चार्जेस के सेम है. प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एदर चार्ज विथ सेपरेशन बिटवीन देम का इक्वल होता है. मतलब स्मॉल पी टू ए क्यू का इक्वल होता है. जब हम लोगों ने ये वेक्टर यूज किया है तो साफ सी बात है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. ये डायपोल मोमेंट वेक्टर हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर पॉइंट कर रहा होता है. ठीक, तो ये डायपोल मोमेंट वेक्टर को कैसे डिफाइन करोगे, डायपोल मोमेंट वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एदर चार्ज विथ सेपरेशन बिटवीन देम. ठीक, इन दोनों चार्जेस में से किसी एक का चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उन दोनों के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू मिल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट वेक्टर कहते हैं. और ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होने के कारण इट ऑलवेज पॉइंट्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. इट ऑलवेज पॉइंट्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, डायपोल मूवमेंट वेक्टर का, चार्ज का कूलम और सेपरेशन का मीटर. तो कूलम मीटर, ठीक, इसे एमसी लिख सकते हो पर बहुत लोग मिसकंसेप्शन समझ लेते हैं, मिली कूलम समझ लेते हैं. इस कारण सी आईफन एम लिखना सही है. अगर आईफन नहीं डालोगे तो बहुत सारे लोग इसे सेंटीमीटर समझ लेते हैं, तो ये ऐसे लिखना ही सही होता है. तो डायपोल मोमेंट वेक्टर होप कर रहा हूं कि सभी को समझ में आ गया होगा. अब पॉइंट डायपोल किसको कहा जाता है ये देख लेते हैं. पॉइंट